फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से दोबारा आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस बार जो वीडियो आने वाला है मेरे चैनल का, वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। एटलीस्ट जितने लोगों ने मुझे लाइक पर्सनली अप्रोच किया है वो तो है ही, ये मेरे चैनल का सबसे इन डिमांड वीडियो मुझे लगता है शायद होने भी वाला है इन फ्यूचर। बिकॉज जितने भी लोग हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली हो गए, मेरे यूट्यूब फैमिली हो गए, एवरीबडी हैड रिक्वेस्टेड मी फॉर दिस वीडियो। वहाँ के ग्रॉसरी के प्राइसेस कैसे रहते हैं, वहाँ का ग्रॉसरी स्टोर दिखाओ, एक्सेट्रा। तो चलिए आज देखते हैं साथ में कि यहाँ पे शॉपिंग करने पे हमारी जेब कितनी ढीली होती है, हमें कितना बड़ा बिल आता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने की है आपको एक नर्सरी दिखाने से। तो ये क्यों है? बिकॉज यहाँ समर स्टार्ट हो गए हैं। जब यहाँ विंटर्स होता है ना, तो सारे फूल पौधे पेड़ मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, लीफलेस हो जाते हैं। तो जब यहाँ समर की शुरुआत होती है, लोग ज्यादातर अपने घर के आगे ऐसे फूल लगाना प्रेफर करते हैं, या कोई वेजिटेबल का प्लांट हो गया, एक्सेट्रा। तो सारे मॉल ऐसे प्लांट से भर जाते हैं। तो उसी का एक नज़ारा मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। तो आज आप लोग चलिए मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो हम जिस स्टोर से ग्रॉसरी लाते हैं वो है नो फ्रिल्स। वो हमारे घर के थोड़ा पास ही मौजूद है और उसके रेट्स हमें रीजनेबल भी लगते हैं। तो मैंने शुरुआत में आपके साथ थोड़े ग्लिम्प शेयर किए हैं कि हम क्या क्या ज़्यादातर खरीदते हैं। लेट्यूस हो गया, फिर धनिया का पत्ता हो गया, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें शेयर किए हैं। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा लोग नहीं दिखाए हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ कैनेडियंस या फिर जो भी इमिग्रेंट्स भी हो, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम उनको फिल्म करें। इसीलिए आप ज़्यादा लोग ऐसे में लोगों के मुंह में कैमरा घुसा के ये सब नहीं कर सकती। इसीलिए ज़्यादातर आप टू द पॉइंट और वेजिटेबल्स ही देखेंगे। पर आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो आज हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स कवर किए हैं, जैसे टोमेटो हो गया, लेट्यूस हो गया, और कुछ लोगों का ये भी रिक्वेस्ट था कि मैं उन्हें मीट वाला सेक्शन दिखाऊं। हम चिकन हो गया, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, ये सब कैसे खरीदते हैं, प्राइस कैसे रहता है, एक्सेट्रा। तो उसका भी एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने कोशिश की है कि आपको दे सकूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। यहाँ अक्सर हमें वो कच्ची मच्छी नहीं मिलती, फिलेट्स में साफ होके बोनलेस वैसे मिलते हैं। और जब हम प्रॉन्स खरीदने जाते हैं वो भी एक अच्छा नज़ारा है, आप देखेंगे कि कैसे मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करते वक्त खुशी महसूस हो रही है वो है कर्ड। यहाँ ना कनाडा एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, यहाँ दही क्या कुछ भी फर्मेंट नहीं होता, आप महीने लगा लीजिए वो नहीं जमता। इसीलिए यहाँ पे हम कर्ड ऐसे पैक्ड ही फूड खरीदना पसंद करते हैं। तो हम आज एक पार्क में भी गए थे जिसके थोड़े थोड़े ग्लिम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बिकॉज समर शुरू हो गया है, यहाँ पे लोग ज्यादातर कैसे खुश रहते हैं, वो बीच वाला लाइक येल्लो येल्लो का फूल। तो यहाँ समर्स में ना लोग ऐसे बाहर घूमना पसंद करते हैं, और जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ सबके पास एक एक डॉग होता है। हमारे पास तो नहीं है फिर भी, पर लोग अपने डॉग को ऐसे वॉक पे लेना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना पसंद करते हैं, एक्सेट्रा। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि हम वीकेंड पे ग्रॉसरी करने जाए। तो आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो आज पसंद आए, और कुछ भी आप लोगों का कमेंट हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आगे का पूरा वीडियो देखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, इंडिया में भी कहाँ रहते हैं, और आपके यहाँ के ग्रॉसरी प्राइसेस कैसे हैं, क्या आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख के, क्या आपको झटका लगा ये वीडियो देख के। तो हाँ, ये तो बस एक ट्रेलर था, आगे मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यहाँ के ग्रॉसरी के प्राइसेस कैसे हैं। तो इस पे तो मैं बहुत दिन से ही वीडियो बनाना चाह रही थी, पर आज सोचा चलो लाइक बेटर लेट देन नेवर। तो आज हम देखेंगे कि मेरे घर का एक एवरेज ग्रॉसरी कैसा दिखता है, लाइक एक एवरेज वीक का ग्रॉसरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को सारे ग्रीन चीजें दिखाऊंगी। ज्यादातर हम जब ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो दो तरह की चीजें होती है, सूखी चीजें जैसे कोई जैम हो गया, केचप हो गया, फिर कोई चिप्स हो गया, और एक फ्रेश प्रोड्यूस होता है जैसे ग्रीन लाइक लीव्स हो गए, साग हो गया, बनाना हो गया, ऐसा। यहाँ पे ना इंडिया में जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है, हम अलग से एक थैली लेके जाके खरीदते हैं, वैसा नहीं होता। एक ही स्टोर होता है, वहां आपको सब मिल जाएंगे ग्रोसरीज, जिसमें खाने पीने, वॉशिंग, आपके पर्सनल केयर, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, फेस वॉश सब कुछ आते हैं, और आपके वेजिटेबल्स और एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे ग्रीन प्रोड्यूस के साथ। तो मैं हर चीज का, अगर मैं अभी बिल पढ़ के आपको बोलने लगूं एक एक का प्राइस, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और वीडियो लंबा भी होगा।
तो मैं इसीलिए हर चीज का अप्रोक्स प्राइस बोल दूंगी, और ऊपर एडिट करते वक्त मैं इसका असली प्राइस इन डॉलर्स एंड इन कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीस दोनों छोड़ दूंगी। तो इस वीडियो का फायदा ही नहीं होगा। जो लोग भी एक आइडिया लेना चाहते हैं कनाडा में राइट नाउ ग्रोसरी के प्राइसेस कैसे हैं, और जो हर जगह ये लाइक अफवाह भरी पड़ी है कि अभी इन्फ्लेशन एट इट्स पीक है, तो आज हमें जानने मिलेगा क्या सच में इन्फ्लेशन है यहाँ। तो चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो ही देती हूँ, क्योंकि हम हर वीक ग्रोसरी करते हैं, तो आज आपको एक आइडिया लगेगा कि दो लोगों के लिए, जैसे हम तो अभी दो ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, अप्रोक्स कितना ग्रोसरी लगता है दो लोगों को और कितना खर्चा होता है, बिल कितना आता है, तो एक आइडिया ले पाएंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला सेक्शन हम आज देखने वाले हैं वो है ग्रीन प्रोड्यूस वाला सेक्शन। तो इसमें ज्यादातर ऐसे साग, एप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसा कुछ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे आसपास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, हमने उसे लाइक अनबॉक्स करना शुरू कर दिया था, पर सोचा कि चलो आज ही आपको दिखा देते हैं। तो जो पहली चीज हम लाते हैं हमेशा वो है ये पालक का लाइक बंच। तो ये है एक स्पिनच का बंच, जो ज्यादातर दो तरीके से मिलता है, या तो छटा हुआ मिलता है ये सारे लीव्स, या तो ऐसे बंच में मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश होता है, तो हम ये लाते हैं। ये मुझे या तो साग बना ले या पालक पनीर ऐसा कुछ भी करीज में भी डाल के खाने के लिए अच्छा रहता है। तो ये प्रॉक्स हमें कुछ अराउंड $1 और $1.29 का ज्यादातर ये ऐसे रहता है, तो ऐसे ये पड़ता है। और मैंने जैसे बोला आपको, मैं सारे कन्वर्शन ऊपर दे दूंगी, बिकॉज मैं भी इतने फटक से कन्वर्शन नहीं कर पाती आज तक, तो या रादर देन मिसगाइडिंग यू पीपल, मैं लाइक ठीक ठीक ऊपर ही दे दूं, ये बेहतर है। ओके, सेकेंड थिंग ये है एक लेट्यूस का बंच। ये मैं इसीलिए लाती हूँ कि हर बार बाहर जाके ऐसे बर्गर्स खाना कन्वीनियंट भी नहीं होता, और सेकेंड थिंग इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होता। तो ये अगर हो तो मैं सैलेड्स हो या अपने घर में कोई रैप बना सकती हूँ, बर्गर्स बना सकती हूँ उसके लिए। तो ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स लाइक $2.99, $3 का कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम चीज देखेंगे वो है इधर बनानास। तो यहाँ दो तरह के बनानास आते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक नॉर्मल वाला बनाना। और जो ऑर्गेनिक वाला होता है वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है, लाइक $1 का पर एलबी, और ये कुछ 0.5 अप्रॉक्स $60 पर एलबी होता है, डॉलर पार्डन मी, तो 0.60 पर एलबी होता है। बनाना यहाँ थोड़ा चीप होता है, तो ये हमें कितना $1.5 और $2 के बीच ऐसा कुछ पड़ा होगा, एग्जैक्ट नंबर मैं ऊपर डाल दूंगी। और हाँ, धनिया इधर थोड़ा कॉस्टली होता है इंडिया के हिसाब से, तो ये हमें पड़ा होगा 1.5 से 1.8 के बीच, जो कितना इंडिया में अगर कन्वर्ट करके बोलू वो 100-120 के बीच ही आया होगा, पर हाँ इंडिया के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। यहाँ धनिया बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है, पर ये ज्यादातर सूख ही जाते हैं आधे टाइम। ओके, हम अगली वेजिटेबल्स की ओर चलते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मेरा हमेशा एक बंच ऑफ वेजिटेबल्स रहता है, उसका अलग से थैली ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये है एक कैप्सिकम। यहाँ अक्सर कैप्सिकम ऐसे लूज ही मिलते हैं, तो इसका प्राइस कुछ $1 ऐसा कुछ होगा, 1-1.5 ऐसा। एक्चुअली पर एलबी तो वो महंगा ही रहता है, अप्रॉक्स $4 से $4.5 से फ्लक्चुएट होता रहता है, 4.99 ऐसे। पर आप एक दो लाओ तो थोड़ा कम रहता है। हाँ, $1-2 के लिए एक वेजिटेबल अगर आए तो थोड़ा खटकता तो है, पर हाँ ये ऐसा ही है। तो क्या करें। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्प्रिंग ओनियंस। यहाँ मुझे स्प्रिंग ओनियंस बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो नॉन वेज हो, लाइक कोई श्रिम्स बना रही हूँ, प्रॉन्स बना रही हूँ, या तो कोई स्टेयर फ्राइड वेजिटेबल हो, उसमें मुझे ये अच्छा लगता है, चिल्ली मशरूम हो। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड कितना 1.8 का कुछ बंच बोल सकते हैं आप, एग्जैक्ट मैं फिर से ऊपर छोड़ दूंगी आपके लिए। तो नेक्स्ट जो चीज मैं लाई हूँ वो है कैबेज। तो हाँ, कैबेज यहाँ कंपैरेटिवली पता नहीं कुछ सस्ता ही होता है,
ये अराउंड 0.88 सेंट्स पर एलबी होता है, तो ये हमें कुछ ऐसे 1.8 या 2 डॉलर के बीच आया होगा। ये थोड़ा सस्ता होता है और लाइक अगर हम इसे कुक करें तो ज्यादा भी बन जाता है, और रोटेट कर करके खाना भी चाहिए। इसका प्राइस सेम ही है जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ 1.5-1.6 डॉलर्स ऐसे। फिर नेक्स्ट जो चीज लाते हैं हम वो है मशरूम। तो ये मशरूम का पैकेट हमें पड़ा होगा 3 और 3.2 के बीच। आज ये थोड़ा महंगा था, अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5 से 3 के बीच मिल ही जाता है, 2.5 से 3 डॉलर के बीच इतना। तो ये व्हाइट कलर का आता है, ब्राउन आता है, दोनों सेम ही लगते हैं, बटन मशरूम्स जो हम इंडिया में खाते हैं। और नेक्स्ट चीज जो हम लाए हैं ये है क्यूक्यूम्बर, ककड़ी जिसे हम बोलते हैं। ये थोड़ा सस्ता होता है, अराउंड 0.60 सेंट्स ऐसा कुछ। ये 1-2 डॉलर में आपको आ ही जाएगा, लाइक 1.23 इतना ही मैक्सिमम जाता रहता है। प्याज, हाँ प्याज भी यहाँ दो तरह के आते हैं, एक तो रेड ओनियंस आते हैं और ये एक व्हाइट ओनियंस आता है। प्याज यहाँ थोड़ा महंगा होता है, ये इतना ही आज हमें 4.5 या 5 ऐसा कुछ आया होगा, या 6 इसके बीच ही। प्याज का प्राइस इधर बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है और ज्यादातर महंगे साइड पे ही रहता है। पहले तो हम पूरा का पूरा बड़ा बंच लाते थे, आज इतना कम ही प्याज इतने में आया है। तो यहाँ पर ये एक प्याज थोड़ा बड़ा ही होता है, करी बनाते वक्त आपको लाइक यूज हो ही जाएगा। अगेन मैं सारे कन्वर्शन ऊपर छोड़ दूंगी, तो यस ये अराउंड 5 डॉलर कुछ बोल सकते उतने में आया है, 4-5 प्याज। ओके, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ग्रीन सेक्शन में ये है एवोकाडोस। तो एवोकाडोस ये मेक्सिको से आते हैं यहाँ पे ज्यादातर। तो ये जो भी आप देख रहे हैं इधर ग्रीन वाले प्रोड्यूस, यहाँ कनाडा में कुछ भी उगाए नहीं जाते। यहाँ ज्यादातर इतनी ठंड होती है कि क्या ही उगाना इधर, ये खराब ही हो जाए, मतलब कुछ यहाँ उग नहीं सकता, इसीलिए ज्यादातर ये चीजें इम्पोर्ट ही करते हैं। और क्योंकि ये इम्पोर्ट करते हैं तो इनका ड्यूटीज लाइक इनके प्राइसेस हमेशा हाई रहते हैं। तो ये जो एवोकाडो हम लाए हैं इसे हम इसमें 4-5 रहते हैं कुछ, इसका भी प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट करता रहता है। आज हम इसे 5 डॉलर्स में लाए हैं, कभी कभी ये हमें 3 में भी मिल जाता है, कभी 4 में भी मिल जाता है, कभी 8 में भी मिलता है, पर हम इसे रेगुलरली लाते हैं क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है। इसे रैप में खाइए या फिर इसका शेक बना दीजिए या कुछ भी, ठीक है। चलिए ये तो हो गए हमारे ग्रीन प्रोड्यूस, अब हम चलेंगे हमारे ड्राई थिंग्स के लिए। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, आज हमें एक बॉक्स ऑफ मैंगोस मिला है, देखिए इसमें ढेर सारे मैंगोस हैं जो हम लाए हैं। तो पहले अक्सर 1-2 मैंगोस ऐसे लूज में भी लाते थे हम, मैं दिखा दूं, जैसे ये एक ही हमें कुछ 1-2 डॉलर का पड़ता था, कितना 80-90 रुपीस इंडिया के हिसाब से, 1 डॉलर बोल लीजिए अप्रोक्स। और आज हमें ये पूरा का पूरा बॉक्स जिसमें कितना है 12 अप्रोक्स मैंगोस है, वो हमें कुछ आया है अराउंड 7 डॉलर्स का। तो हाँ, लेट्स सी, ये एक्चुअली मैंगो अभी तो नहीं पके हैं, हम बस एक्सपेक्ट कर रही है ठीक टाइम से पक जाए और खराब ना हो, नहीं तो इतना देख के थोड़ा दिल तो दुखता ही है, इंसान खाए तो खुश लगे। तो लेट्स सी, ठीक है। आपको दिखाते वक्त एक और चीज जो मैं भूल गई थी जो ग्रीन प्रोड्यूस में ही आता है वो है ये टमेटोस। तो टमेटो के रेट ना यहाँ बहुत ही वेरिएबल रहते हैं, जो अक्सर लाइक 88 सेंट्स के कुछ रहते हैं, कभी कभार उतने लो हो जाते हैं, ज्यादातर वो 3 डॉलर ऐसे का रहता है पर LB, अभी कभी कभी वो 6 भी चला जाता है, इट्स वेरी वेरिएबल। तो आज ये अराउंड 3 डॉलर्स का कुछ था, तो हम इतना लेके आए हैं इनमें से, तो ये भी अराउंड 3.5, 3.8 या 4 के बीच कुछ हमें ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है दही। तो दही यहाँ हमें कितने का आता है, तो ये एक यहाँ ना 2-3 तरह के दही आते हैं, लो फैट 0%, 2-3 ऐसे सबका। आज जो मैं लेके आई हूँ ये है कुछ नेचुरल योगर्ट, इसमें ऐसे इतना फैट मैंने चेक नहीं किया, तो हम ज्यादा तो 0% ही लाते हैं, पर मैंने सोचा चलो इसे आज लेके आते हैं। तो इसका जो कॉस्ट मुझे आज आया है
वो अप्रॉक्स 3.5 से लेके 4 कुछ आया है। इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता पर ये चल जाता है आपको लाइक एक वीक टू वीक तक कभी कभी हो जाता है, बेस्ड ऑन द कंजप्शन ही वो रहता है। फिर ये जो है ना ये इंग्लिश मफिन्स है, ये जैसे क्या बोलूँ सैंडविच हो गए ब्रेड में, लाइक ब्रेड ही है ये, तो टोस्ट के लिए या फिर सैंडविच के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऑल वीट लाइक होल वीट मफिन है, ये अराउंड हमें 2.4 का कुछ आता है, 2.5 डॉलर्स का, और इसमें क्वाइट एन अमाउंट होता है जो हमें अच्छा लगता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बेगल्स। तो ये कभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो यस, और नेक्स्ट जो आया है वो है ये पार्ले जी का बिस्किट। यहाँ अप्रॉक्स ये कुछ कितना बोले 1.8 डॉलर्स का कुछ आ जाता है। यहाँ ज्यादातर आपको कोई कम ही इंडियन ब्रांड्स मिलते हैं एज इन बिस्किट्स के हिसाब से, अगर मिलते भी है तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहते हैं। ये बिस्किट का सेक्शन कभी मैं अलग से कवर करूंगी आप लोगों के लिए, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा वैरी करता है। और इंडिया में जैसा है हुआ है ना, आप एरोरूट बिस्किट्स की तरफ अगर जाओगे तो वो कम होता है, यहाँ वैसा नहीं है। अगर आप एरोरूट बिस्किट खरीदेंगे तो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है रादर देन ऑल दिस। ये ज्यादातर तो हम अवॉइड ही करते हैं, कभी कभार लाते भी हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा पाम ऑयल होता है इसका इंग्रेडिएंट्स में, इंग्रेडिएंट। तो या लेट्स सी, कभी कभार हम भी ला देते हैं, क्या करें। तो हाँ, नेक्स्ट जो चीज मैं दिखाने वाली हूँ और आप सबको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है शायद ये देख के, तो ये है मैगी। जी हाँ, यहाँ भी मैगी मिलती है और हम इसे खाते भी हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में ज्यादातर ऐसे मिलता है जो कन्वीनियंट भी रहता है, एक बार एक पैकेट खोल लो बना लो ऐसे, ये क्विक स्नैक के लिए अच्छा रहता है। तो ये हमें ज्यादातर एक पैकेट 0.33 सेंट्स ऐसे कुछ आता है, लाइक 33 सेंट्स का कुछ 0.33 डॉलर्स के हिसाब से। तो हाँ, तो ये अच्छा रहता है, ये ज्यादा महंगा नहीं रहता, कभी अगर बहुत महंगा हो भी जाए तो कितना 50 सेंट्स ऐसा कुछ होता है, पर ये कन्वीनियंट रहता है इधर भी क्योंकि ये लोग खरीदते हैं, आई गेस दैट्स व्हाई इट्स चीप ओनली। तो ये है हमारा एक ग्रीन प्लांटेन चिप्स होता है, ये ज्यादातर कुछ बेक्ड होते हैं या कुछ आई डोंट नो शायद, पर ये भी 90 सेंट्स में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा पैकेट। यहाँ आप जितने अनहेल्दी फूड के लिए जाएंगे ना उतना आपको लाइक प्राइस कम ही मिलता है एज कम्पेयर टू जितने हेल्दी फूड्स के लिए जाएंगे। तो ये है एक टोमेटो सॉस जो हाइंस का है, ये इंडिया में भी मिलता है कुछ ऑक्स टोमेटोज का, तो ये हमें पड़ा है अराउंड 5 डॉलर्स। बिकॉज आज बड़े बॉटल्स भी इतने में ही मिल रहे थे, छोटे भी इतने में ही मिल रहे थे, मैंने सोचा चलो यही ला देते हैं। टोमेटो सॉस तो कंज्यूम होता ही है हर घर में। तो नेक्स्ट जो चीज मैं दिखाने वाली हूँ वो है पनीर। तो पनीर यहाँ कितने का आता है वो भी लोगों को जानना है। तो हाँ, ज्यादातर ऐसे स्टोर्स में हमें कभी कभार बहुत दौड़ लग जाती है हमारी पनीर खरीदने वक्त, ढूंढते वक्त स्टोर में। तो आज लकीली ये अच्छा ब्रांड है पनीर का जो है कुछ हैप्पी डेयरी, मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं या नहीं। तो जो लोग भी कैनेडा में रहते हैं, आना चाहते हैं, पनीर खरीदने का सोच रहे हैं, या लुक एट दिस इज अ गुड ब्रांड। तो हाँ, तो ये कितने का आता है, तो ये हमें कुछ अराउंड 4 डॉलर्स ऐसा का आया है। ये ज्यादा से ज्यादा होता है तो 4.5 से 5 के बीच ही ज्यादातर फ्लक्चुएट करता रहता है, 6 से ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो हाँ, अप्रोक्स में इतने में ही आ जाता है और इससे अप्रोक्स हम दो लोग कितना 2 बार खा लेते हैं। तो आपके साइज कटिंग साइज पे ही डिपेंड करता है वो सोली, तो इतना ही कुछ है। और ये है एक ग्रीक योगर्ट, तो ये फाइबर वाला है, ये यहाँ मिलता है अगेन, ये एक्टिव ब्रांड का कुछ है। तो इससे हमें 5.5 का कुछ ऐसा आता है पूरा का पूरा पैक, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें जो भी फ्लेवर होता है लाइक वेनीला ब्लूबेरी, इसमें ना होल फ्रूट्स रहते हैं ज्यादातर जो अच्छे रहते हैं खाते वक्त भी, एक टिंच ऑफ स्वीटनेस रहता है और असली फ्रूट्स रहते हैं, चंक्स रहते हैं। या और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो है दूध। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड था कि यहाँ दूध का प्राइस कैसा रहता है, बिकॉज ये सारे चीजें जो है ना यहाँ एसेंशियल्स है। तो कितने क्या रहते हैं इनका प्राइस, तो इसका जो प्राइस होता है ना ये हमें 3 डिफरेंट पैकेट्स में ऐसा आता है,
तो इसका रहता है, आज थोड़ा महंगा हो गया था, अराउंड $6 हो गया था इसके लिए। ये ज्यादातर हमें उतना 5 पे ही मिलता है, 5.5 ऐसे रहता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही रहता है। और हम क्या लाते हैं अगर मैं बोलूँ, कभी कभार हम कोकोनट वाटर लाते हैं, कभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट लाते हैं, कभी एग्स लाते हैं, ऐसा कुछ फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कभी राइस लाते हैं, दाल लाते हैं। तो मैं, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रेगुलरली बनाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आप लोगों को आज एक आइडिया लग गया होगा कि लाइक सब्जियों का प्राइस कैसा है, और यहाँ लाइक यहाँ इन्फ्लेशन इज जेन्युइन। लाइक जो लोग पास्ट में यहाँ रहते थे, पास्ट मतलब कुछ साल पहले का, अगर उनसे आप लोकल से रेट पूछो, या जो लोग इमिग्रेट हो चुके हैं वापस अपने देश छोड़ के जा चुके हैं, ये इतना खराब नहीं था, पर आजकल कुछ ज्यादा ही ये प्राइस पे आते हैं। पर क्या करें, जिस देश में रहना है उस देश में वैसे ही खाना है। तो या इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना अर्निंग पावर ही बढ़ा ले रादर देन कंप्लेनिंग। तो या आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और आप लोगों को अगर कुछ भी पसंद आया हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलिएगा, और क्या आप लोगों को और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखनी है वो भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियोस जो आपका मन भाए। पर एग्जैक्ट अगर आप मुझे टॉपिक्स भी बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे वो मेरा भी लाइक हौसला अफजाई करता है, वो मुझे मोटिवेट करता है और बनाने के लिए। वरना दिस यूट्यूब जर्नी इज वेरी लोनली, इट्स लाइक वन मैन आर्मी जो चलाता रहता है उससे। तो डेफिनेटली कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।